आज संडे है और आज हम बनाने जा रहे हैं ये हरे मिर्चे की पकौड़ियाँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये आलू बॉईल कर लिए हैं और ये मिर्चे थोड़े से ले लिए हैं, उनको ऐसे बीच से एक चीरा लगा दिया है और एक ये हमारा प्याज। बस अब हम इन आलूओं को मैश कर देंगे। मैशर की सहायता से इसमें हमने प्याज काट लिया है बारीक बारीक और इसमें हम सफेद नमक और ये थोड़ा सा काला नमक। इस तरह से इसमें थोड़ा सा प्याज नमक और थोड़ी सी खटाई और एक पिंच लाल मिर्च पाउडर डाल के हमने इस तरीके से इसको मिक्स कर लिया और ये हमारी स्टफिंग तैयार है इन मिर्चों में भरने के लिए। हमने मिर्चों के ऊपर कोटिंग करने के लिए बैटर तैयार कर लिया है। इसमें बेसन, थोड़ा सा नमक, सफ़ेद नमक यूज़ करा है और इस तरीके से इसको फेंट लेंगे। हम हाथ से ही फेंटते हैं ताकि इसका जो बैटर है वो अच्छे से फूल जाता है। आप चाहें तो चम्मच की सहायता से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। ये स्टफिंग है और ये हमारी कढ़ाई जिसको अभी हम गरम करेंगे। गैस ऑन कर दी है और ये हमारा बैटर है मिर्चों के ऊपर कोटिंग करने के लिए और इसके करने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो रहा है, जब तक तब तक हम इन मिर्चों में स्टफिंग भर के रेडी कर लेते हैं। मिर्चों के अंदर ऐसे इस तरीके से स्टफिंग भर ली है और अब ये जो हमारा बैटर है बेसन वाला इसमें इस तरीके से डिप करेंगे। ये कोट हो गया है, तेल भी हमारा गरम। इस तरीके से सारे मिर्चों को हम कोट करके अच्छे से बेसन से और डीप फ्राई कर लेंगे। अब ये हमारे मिर्चे जो हैं वो डीप फ्राई हो रहे हैं। अब ये लगभग गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मतलब अब ये कढ़ाई से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारी पकौड़ियाँ रेडी हैं, ये मिर्चे वाली पकौड़ियाँ जिनकी रेसिपी हमने बताई और ये हरी धनिया की चटनी और ये हमारी बिटिया रानी की पकौड़ियाँ अलग से बैगन की।